एक बहन टीवी डिबेट में न्यूज चैनल पर मैं गया, बोली मैं शराब पीती हूं। तो मैंने कहा, न्यूज एंकर से कहा, मुझे शराबियों के बीच में बिठा दिया। तो महिला बोली कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी थोड़ी हूं। अब देखो जरा, हर शराबी यही समझता है कि मैं शराबी नहीं हूं। अब वो महिला है, कहती हैं जी मैं पीती हूं, पर आप पीती तो हूं पर आपने उसे बोल दिया कि तुम शराबी हो तो उसे बुरा भी लगता है। अब शराबी को, शराब पीने वाले को शराबी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अब इतनी तो अक्कल है इन शराबियों की, अब क्या बात करें? फिर मैंने कोई बात ही नहीं की, मैं समझ गया कि बुद्धि का लेवल कितना है। क्या बात करें, क्यों? बात समझदारों से की जाए, मूर्खों से क्या? कई बार मैं चुप रहता हूं, कई जगह जहां मैं चुप रहूं समझ लो कि ये लोग बात करने के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं चुप रह जाता हूं। मैं समझ लेता हूं कि ये किस लेवल के लोग हैं, क्या उत्तर दें? अब ध्यान से आप सुनो, शराब ना पीना। देखो आजकल महिलाएं शराब पीने लग गई हैं, ये बड़ा दुखद है। पुरुष तो पीता ही था, ये भी दुख की बात है। शराब तो नहीं पीना चाहिए, और शराब पीकर ये और कह रहे हैं जी हम कोई गलत कर रहे हैं क्या? नहीं जी, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शराब पीना यदि सही होता तो फिर हम मना क्यों करते? कोई शराब से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है कि शराब ने कोई हमारा कर्जा खा लिया है। शराब की हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन शराब पीने से रोका क्यों जाता है? मैं आपको दूध पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, दूध पियो। लस्सी पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, लस्सी पियो। गन्ने का रस पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, गन्ने का रस पियो। फलों का रस पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, फलों का रस पियो। मैं आपको शराब पीने से रोक रहा हूं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई कारण तो होता ही होता है, क्यों? यदि कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा, क्यों भैया? तो शराब हम रोक रहे हैं कि मत पियो, कोई वजह होगी। अब वो वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शराब पीना गलत है। शराब पीना क्यों गलत? अब देखो इसका उदाहरण देता हूं। हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी हैं, मतलब आगे का जानते हैं। मैं अभी कुछ महीने पहले भोपाल जेल के अंदर मैं कथा सुनाने गया था। आप लोगों ने भी वो कथा, भोपाल जेल के भीतर की कथा, टीवी पर आप लोगों ने सुनी होगी। भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर 4000 कैदी थे, उन कैदियों को मैं कथा सुनाने गया। जब मैंने उन कैदियों से कहा कि भाई आप जेल में कैसे आए, उन्होंने बताया कि मैंने मर्डर किया, बलात्कार किया, 420। अब 4000 कैदी थे तो अपराध भी 4000 रहे होंगे, सबके अपने अपने क्राइम अपराध। लेकिन मैंने वजह जाननी चाहिए कि आप लोगों ने ये अपराध किया क्यों, मर्डर कैसे क्यों किया, आपने मर्डर क्यों किया? अच्छा एक बात और है, जेल के भीतर 95% पुरुष थे और 5% स्त्रियां थी। स्त्रियां जेल के अंदर कितने परसेंट हैं? यदि जेल में 100 लोग हैं
तो 95 पुरुष होंगे और 5 स्त्रियां होंगी। मतलब स्त्रियों के द्वारा भी क्राइम है, पर स्त्रियों के द्वारा क्राइम बहुत कम है, पुरुषों के द्वारा ज्यादा है। उन सारे पुरुषों से मैंने बात की कि आप क्यों जेल आए, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी हमने मर्डर कर दिया। कैसे किया? बोले शराब पी रखी थी, हाथ में जो आया मार दिया शराब के नशे में, वो मर गया। आज जितने भी बलात्कार होते हैं, सारे बलात्कारी 99.99% बलात्कारी शराब के नशे में बलात्कार करते हैं। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? अब बताओ कि आपको बलात्कारी कौन बना रहा है? शराब। क्राइम कौन करा रहा है? शराब। इसलिए कहा जाता है, वो सारे कैदी भोपाल के जेल के भीतर के कैदियों ने मेरे से कहा कि महाराज जी सबको बताना कोई शराब ना पिए, क्योंकि शराब एक ना एक दिन आपको गलत काम में उलझा देगी और आपसे गलत करा देगी और आप सलाखों के पीछे होंगे। वजह शराब है, व्यक्ति गलत नहीं है, वो नशा में व्यक्ति क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता। नशा उतरने के बाद लगता है ये तो गलत हुआ, शराबी भी ये बात मानता है नशा उतरने के बाद कि जी गलत हो गया मेरे से। सारे अपराधी मान रहे थे कि हाँ मेरे से गलत हुआ है, हमने गलत किया है, वो पछतावा है। पर अब पछतावा है पर सजा तो 20 साल की है। क्यों मेरी माँ, बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं शराब गलत है, इसलिए गलत कहा जा रहा है। शास्त्रों ने शराब को महापाप में गिना है। 5 महापाप होते हैं, 5 महापाप। ये तो पाप सामान्य एक पाप है, पर महापाप भी होता है, 5 महापाप। उन महापाप में कौन कौन से महापाप होते हैं? सोने की चोरी करना, मतलब चोरी करना सोने की चांदी की, जो भी आप कर रहे हैं चोरी करना किसमें आता है? बोलो, चोरी महापाप है। इसलिए चोरी से बचो। किससे बचोगे? चोरी से। चोरी महापाप है। दूसरा महापाप, गाय की हत्या। गाय की हत्या, हत्या तो पाप है पर गाय की हत्या महापाप है। चोरी, गौ हत्या, शराब पीना महापाप, ठीक है? गुरु और गुरु पत्नी को गलत निगाहों से देखना, गुरु पर गलत निगाहें जा रही हैं, गुरु को आप काम भाव से देख रहे हैं, गुरु जी की पत्नी को आप काम की दृष्टि से देख रहे हैं, ये महापाप है। और 5वां, इन चारों के संग उठने बैठने वाला महापापी होता है। चोरी करने वाला महापाप, चोरी किसकी? सोने की चोरी। चोरी तो पाप है सारी, पर सोना महापाप। बेटी के लिए माँ बाप ने आभूषण बनवाए थे, चोर ने चुरा लिया, महापाप, सोने की चोरी। गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या, ये दोनों महापाप। शराब पीना महापाप, गुरु और गुरु पत्नी पर गलत नजरें रखना और इन चारों के संग उठने बैठने वाला भी महापापी। ये 5 महापाप में शराब भी है, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। पी पी के कितने बर्बाद हो गए,
शराब पीने वाले अपना बिगाड़ते ही हैं, बनाते कुछ नहीं। बोलो हाँ। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? पीते हैं आप? अब नहीं पीते, अब मतलब 5 दिन से 5 साल। क्यों, आप पीते हो शराब? सही बताओ।